तो बेसिकली आज की हमारी इस क्लास में हम एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट ये है कि हमें पास एक सॉफ्टवेयर है जिससे मुझे डेटा को डाउनलोड करना। तो बोले से इसे प्रॉब्लम क्या है, डबल क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डेटा को डबल क्लिक करके मैं डाउनलोड नहीं कर सकता। इसके पीछे रीजन ये है कि जो डेटा हमारा है वो किसी फाइल को डाउनलोड नहीं करता है, वो फाइल को एडिट करता है। समझे? हाँ जी, किसी फाइल को डाउनलोड नहीं करता है, क्या करता है? उसको एडिट करता है। एडिट। हमें उसको एक फाइल देना पड़ता है कि हाँ ये फाइल ले लो, इसमें डेटा डाल दो। तो डेली बेसिस पे मेरा काम क्या है कि मेरे पास ई ड्राइव के अंदर मुझे जाना है अपने इसमें तीस पीसी के अंदर। तीस पीसी के अंदर में मुझे जाना है ई ड्राइव में, और ई ड्राइव के अंदर ये रहा हमारा 2022 का फोल्डर। अगर 2022 का फोल्डर है तो ठीक है, नहीं है तो बना दे। फिर उसके अंदर हम ओपन करेंगे, और उसके अंदर कौन सा महीना चल रहा है? महीना चल रहा है नौवां महीना, तो नाइन नाम का फोल्डर है तो ठीक है, अदरवाइज बना दे। फिर उसके अंदर आज का डेट क्या है, 12 है, तो 12 तारीख का फोल्डर बना दे। ठीक है, अगर है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो बना दे। फिर 12 तारीख के अंदर जाए और एक फाइल इंसर्ट करें जिसका नाम रखे 12 सितंबर 2022। समझ में आया? हाँ जी, तो चलिए 2022 का जो फोल्डर है हम कर देते हैं डिलीट, और हम जाते हैं अपने एक्सेल के अंदर, विजुअल डेवलपर टाइप में आके विजुअल बेसिक को खोलते हैं, और यहाँ पे हम दो स्क्रीन कर लेते हैं ताकि कुछ एग्जाम्पल बताने हो तो मैं बता सकता हूँ साइड में। यहाँ इंसर्ट करेंगे मॉड्यूल्स, और इसके बाद यहाँ पे करेंगे सब्जेक्ट। हमारा एक कोर्स का पहला प्रोजेक्ट है, इसलिए हमने प्रोजेक्ट वन को लिया। तो सबसे मुझे पहले चाहिए होगा मुझे अपने डेट का, सिस्टम का डेट। तो जैसे एक्सेल के अंदर में आते हैं तो हमारे पास होता है फॉर्मूला टुडे का, होता है ना, क्योंकि सिस्टम डेट दिखा देता है। राइट सर? हाँ जी, तो ऐसी एक्सेल में होता है डेट, लेकिन प्रॉब्लम है कि डेट है तो कोई कोई रिसीव करने वाला होना चाहिए ना। तो मैंने यहाँ पे मुझे ईयर अलग करने हैं, तो यहाँ हम लगाएंगे यहाँ पे ईयर का फॉर्मूला। एक्सेल में जो ईयर का फॉर्मूला होता है, जो डेट से ईयर को अलग करता है, सेम थिंग यहाँ भी होता है, बट इसको ऐसे नहीं लगाना पड़ेगा, यहाँ लगाना पड़ेगा इक्वल ईयर यहाँ पे डेट, क्योंकि डेट जो वैल्यू देगा वो उसको लेने वाला भी तो कोई चाहिए ना। तो लेने वाला कौन है? वाई। वाई क्या है? एक वेरिएबल है, जैसे कि मैथमेटिक्स में होता है ना, और जैसे कि मैंने आपको रिकॉर्डिंग मैक्रो में बताया था, हमने इनपुट बॉक्स जो लिए थे उसमें, हाँ जी, सेम सेम थिंग यहाँ भी होता है। तो वाई इक्वल टू ईयर। अब यहाँ पे अगेन हम लिखा लगाएंगे फॉर्मूला मंथ का, और इसमें से मंथ जो कि डेट है अलग कर लिया। फिर लगाएंगे फॉर्मूला डे का, और इसमें से हम डे को अलग कर लेंगे। राइट? अब बात आता है, जी ये तो हमने फोल्डर के नेम निकाले ना, वाई एम डी, मतलब 2022 आज का 12 तारीख। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम होता है कि मुझे हाँ जी, डेट, फाइल का नेम डेट देना है। तो बोलेंगे सर क्या दिक्कत है, डेट तो हमारे पास है, पर ये डेट जो है ना फाइल का नेम कुछ इस तरह से देता है, इस तरह से, समझ गए, स्लैश लगा के। और आपका एक्सेल कहता है कि स्लैश जो है वो आपका फाइल नेम में एक्सेप्ट नहीं करता, समझ गए। तो इस केस में क्या करेंगे, तो इस केस में यहां हम लगाएंगे फॉर्मूला टेक्स्ट का, इसको सेलेक्ट करेंगे डी डी स्लैश एम 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 स्लैश वाई
वाई और यहाँ पे एंटर प्रेस कर, आ गया 12 सितंबर 2022, समझे। तो टैक्स का फॉर्मूला तो एक्सेल में होता ही नहीं है, अब कैसे पता चला। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन किया, नीचे एक्सप्रेशन नहीं आया। देखिए एक्सेल के बहुत सारे फॉर्मूले वीवीए को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते कैसे पता चलता है। जैसे मैंने यहाँ ईयर का फॉर्मूला लगाया, लाख, जैसे ही ब्रैकेट ओपन किया नीचे एक्सप्रेशन आ गया ना सर, ईयर डेट। इसका मतलब है कि जो एक्सेल का फॉर्मूला है वीवीए पे सपोर्ट कर रहा है, वीवीए पे चलेगा, जो नहीं है तो नहीं चलेगा। तो उसके लिए दो चीजें होती है, पहली चीज उसकी अल्टरनेट फॉर्मूले आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि टेक्स्ट का अल्टरनेट फॉर्मूला होता है फॉर्मेट, तो यहां पे लिखा मैंने डीटी इक्वल टू फॉर्मेट, फॉर्मेट, और इसमें हमने डेट और यहां पे हमने कस्टम फॉर्मेटिंग में जो डालते हैं ना डीडी एमएम एन वाई वाई डाला और एंटर मार दिया, आ गया, समझे। उसके बाद अब बारी आती है फॉर्म फोल्डर क्रिएट करने की। तो फोल्डर क्रिएट करने की जो बारी आती है उसमें क्या लिखेंगे, एमके डी आई आर, कहां फोल्डर क्रिएट करना है, तो ई ड्राइव के अंदर, क्या नाम से, तो 2022, तो 2022 का फोल्डर क्रिएट कर जाएगा। फिर मुझे इसके अंदर में 2022 के अंदर में 9 का फोल्डर क्रिएट कर देगा, फिर इसके अंदर में 2000 यहाँ पे जैसे कि 12 है तो 12 का फोल्डर क्रिएट करेगा, एक बार में एक ही फोल्डर क्रिएट करेगा। और तीन फोल्डर क्रिएट करने हैं तो आपको 3 लाइन की कोड लिखनी पड़ेगी, समझे सर, कैसे थे थे। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा सर आपने, एम आई एम के डी आई आर है ना, अच्छा मेक डायरेक्टरी, अच्छा ठीक है। अब ये कॉन्केट किया, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, हाँ ये समझ आ गया। जैसे कि यहाँ पे ई, यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा में ई स्लैश वाई कर दिया। अब ईयर में मैनुअली यहाँ पे 2022 नहीं डालना चाहता, क्योंकि ईयर जो है कैलकुलेट होके आ रहा है ना, तो कॉन्केट करके जब ईयर को सिलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे इस तरह का बन जाएगा। तो सेम थिंग हमने यहाँ पे किया, राइट ओके। अब इसी को दूसरा फोल्डर बनाना है Y के अंदर में, तो सेम कॉन्केटनेट स्लैश इन्वर्टर कोमा में स्लैश और फिर कॉन्केटनेट M का ले लिया, क्या लिया, मंथ का फोल्डर, जो यहां से मंथ आएगा, फिर वापस किया इस पे और यहां पे N परसेंट स्लैश स्लैश D का फोल्डर, इस अकाउंट इज नॉट लॉक टू बट सस्पेंडेड, तो यहां पे डी कर दिया, इसको कॉपी किया यहां पेस्ट, और हो तो गया, तीन फोल्डर क्रिएट करना है, तीन फोल्डर हमने क्रिएट कर लिया। अब बात आती है फाइल को, फाइल को क्या करने की, क्रिएट करने की। तो वर्क बुक डॉट एड, और मुझे इसको डायरेक्ट सेव कर देना है, तो हमने इसको सेव एज ले लिया। पाथ, तो फोल्डर का पाथ तो ये रहा, राइट। फिर इसके बाद हमने अगेन स्लैश दिया और मुझे चाहिए फाइल नेम ना सर, तो फाइल नेम डीटी पे है ना, यहाँ पे डीटी पे ले रखा है, तो डीटी और फिर एन परसेंट यहाँ पे डॉट एक्सएलएस एक्स, ये हो गया हमारा फाइल का एक्सटेंशन। समझे जी,
अब फाइल जो ओपन हुई है वो क्लोज भी होगी, और पता है कि जो फाइल ओपन है वही एक्टिव होता है, यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव वर्क वो समझ आएगी नहीं सर। यहाँ पे लिखेंगे क्लोज, और क्लोज जो करना है ट्रू कर। अब इसमें देखिए इस क्लोज इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि एक्टिव वर्कबुक बड़ा नहीं हुआ, तो ये देखिए वर्कबुक में डबल होना चाहिए, तो कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आपका ये ऊपर नहीं जाए, ठीक है ना। आगे एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज, ठीक है सर। अब मेरा ये वर्कबुक फाइनली परफेक्ट है। अब मैसेज बॉक्स देना चाहते हैं MSG बॉक्स, यहां पे दीजिए फाइल एंड फोल्डर क्रिएटेड, ये आपको एक मैसेज दे रहे हैं। अब मैं एक बार इसको रन करता हूँ माइक्रोवेव में जाके, तो डे के अंदर में डेट का फोटो सीधा मैं वापस डे का ही लगा दी, फोल्डर क्रिएटेड। अब एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए 2022 का फोल्डर बना दिया, इसके अंदर 9 के फोल्डर और इसके अंदर हमारा 12 के, राइट सर। कल मैं ओपन करूंगा तो 2022, 2009 और रहेगा और 9 के अंदर में ये 13 का फोल्डर, लेकिन प्रॉब्लम ये माइक्रो सेकेंड टाइम रन नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ बोला है फाइल फोल्डर क्रिएट करने का, लेकिन हमने भी ऐसा नहीं डाला है कि फाइल फोल्डर क्रिएट हो तो इग्नोर करो, ऐसा कुछ डाला है हमने नहीं डाला है ना सर। नहीं तो इसमें कैसे करेगा? देखिए तो ऐसा एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि एक नाम के दो फोल्डर नहीं बन सकते, एक नाम के दो फोल्डर नहीं बन सकते, राइट। तो मतलब कि मुझे क्या करना है कि अगर फोल्डर बना है तो क्या कर दे, इग्नोर। ठीक है चल जाएंगे, समझ में आया? इसमें आया सर। हाँ तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला कि ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, समझे। अब ए लाइन करने से क्या होगा कि इससे नीचे किसी भी लाइन में किसी भी तरह का एरर आता है तो क्या करेगा, एरर दे देगा ऊपर। जी हाँ, एरर नहीं देगा सर, स्किप करके दूसरा दूसरा यूज करेगा। जी हाँ, समझे कि नहीं? हाँ जी, सर मैसेज बॉक्स में कैसे है? मैसेज बॉक्स में फाइल और फोल्डर दोनों लिखे हैं। मैसेज बॉक्स जैसे कि आप करने के बाद एक पॉपअप देना चाहते हैं तो उसके लिए होता है, तो यहाँ आप अपने हिसाब से जो मैसेज इन्वर्टर को मैं डालोगे वही होगा, ठीक है? ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का कोड। अब इस कोड को आप अपने सिस्टम पे चलाइए, अपने सिस्टम के फोल्डर के हिसाब से, ड्राइव के हिसाब से, फिर इसमें थोड़ी बहुत चेंज कीजिए कि आप 2 फाइल ऐड कर लीजिए, 3 फाइल ऐड कर लीजिए, समझ गए ना? ठीक है, ऐसे कुछ कुछ इसके अंदर एडिट कीजिए और इस्तेमाल कीजिए,